नमस्कार दोस्तों, हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें। तो इस हाथ से रिलेटेड ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको आज दूंगा मैं। एक हाथ हमारे पास पढ़ने के लिए आया है और देखते हैं कि क्या किस्मत में है और बच्चे की स्थिति हाथ में क्या है और साथ में मैरिज लाइफ कैसी रहने वाली है। तो पूरी डिटेल देखेंगे। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिया जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस हाथ को पढ़ना। अपनी स्क्रीन पर आप हाथ जो देख पा रहे हैं, काफ़ी लंबा हाथ है, काफ़ी कह सकते हैं कि एक चौड़ा हाथ है। और जब हाथ चौड़ा होता है और मतलब इस चौड़े हाथ को हम स्क्वायरिश शेप नहीं कहेंगे, ठीक है। तो शरीर की मेहनत ज़्यादा होने की पूरी पूरी उम्मीद यहाँ पर नज़र आती है और मेहनती क्वालिटी हाथ में नज़र आ रही है, ठीक है। मेहनत की क्वालिटीज़ हाथ में नज़र आ रही हैं। रंग हल्का सा पिंकिश है, तो हम कह सकते हैं कि जब रंग हल्का सा पिंकिश होता है तो व्यक्ति सुख समृद्ध जो सुख समृद्धि होती है उससे विमुक्त होता है। मतलब वो चीज़ें उसके पास, सभी चीज़ें उसके पास आती हैं और सभी चीज़ों का सुख भोगता है। धन आगमन काफ़ी अच्छा होता है जब आपको हल्का सा रेडिश पाम दिखे, ठीक है। फिंगर्स की लेंथ की बात करें, हथेली के मुकाबले अगर देखें तो फिंगर्स की लेंथ थोड़ी छोटी है, तो क्विक डिसीजन लेने वाली क्वालिटी हाथ में नज़र आ रही है। और ऐसे जातक किसी बात का जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं और ऐसे जातक घबराते नहीं हैं। इन इन जातक की क्वालिटी यही होती है कि जातक घबराते नहीं हैं और जल्दी कामयाब होने के चांसेस ऐसे जातक के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डिसीज़न मेकिंग बहुत फास्ट होती है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। फिंगर्स की लेंथ अगर देखें तो फिंगर्स की लेंथ में अगर देखें, सूर्य की फिंगर आपको ज़्यादा बड़ी दिखेगी गुरु से, तो आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा रहेंगी। और हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपको हार्ट को लेट बचा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है गैप जो है शनि और सूर्य में काफ़ी कम है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि उस रिलेटेड प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ सकती है आगे चलकर। और गुरु की फिंगर ठीक ठाक है, इतनी ज़्यादा टिल्टेशन सभी फिंगर में टिल्टेशन नहीं है। और शनि फिंगर की बात करें तो लंबाई में ठीक है, टिल्टेशन इसमें भी नज़र नहीं आ रही, तो पैसा भी ठीक ठाक यहाँ पर जीवन में रहेगा। बुध बुध फिंगर की बात करें तो बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस से नीचे है, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है। अपनी बात को अच्छी तरह किसी के सामने ना रख पाना, कभी कभी ये समस्या आती है, ठीक है। थंब बड़ा है, थंब बड़ा है तो क्या कह कह सकते हैं कि डिटरमाइंड नेचर है। और ऐसे जातक की यादाशक्ति काफ़ी अच्छी होती है और ऐसे जातक मेहनती स्वभाव के तो होते ही होते हैं। साथ में फर्स्ट बैलेंस जो है हमारी इच्छा शक्ति का होता है, तो इच्छा शक्ति ऐसे जातक की काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। तो ये क्वालिटीज़ फिंगर से हमें नज़र आई। चलिए आगे हम यहाँ पर देखते हैं माउंट्स क्या बता रहे हैं। पहले आप यहाँ पर गुरु पर्वत की स्थिति को देखें। गुरु पर्वत को स्पेस अच्छी खासी मिल रही है, और अच्छी खासी स्पेस मिलना मतलब वैवाहिक जीवन में ठीक ठाक रहेगा। वैवाहिक जीवन इतने ज़्यादा कह सकते हैं, इस पे अगर पॉजिटिव रेखाएं होती वैवाहिक जीवन से जुड़ी और बेहतर होता, लेकिन रेखाएं बन रही हैं। अगर आप देखें यहाँ से, ऐसे जातक स्पिरिचुअल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, स्पिरिचुअलिटी है धीरे धीरे ऐसे जातक में अच्छी आती है, क्योंकि आपको ऐसे वल्ले की आकृति बनती हुई दिखेगी जो स्पिरिचुअलिटी की ओर व्यक्ति को ढकेलती है, ठीक है। व्यक्ति धार्मिक हो जाता है और भगवान को मानने वाला होता है, किसी की इज्जत करने वाला, या फिर हम कैसे जानवरों से प्रेम, कभी किसी का बुरा ना चाहना, ऐसी क्वालिटी जातक में धीरे धीरे उत्पन्न होनी शुरू होती हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन होते हैं और ये व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर रखते हैं। कुछ रेखाएं हैं जो जीवन रेखा से ऊपर की तरफ उठती हुई आपको दिखेंगी और ये एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेस को बनाती हैं और साथ में जीवन भर तरक्की देने के योग को बनाती हैं, जब ऐसी रेखाएं आपके हाथ पर गुरु पर्वत पर मौजूद होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम यहाँ पर अगर मैं बात करूँ शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत पर सबसे अच्छी बात ये मुझे नज़र आई कि भाग्य रेखा जो है शनि पर्वत पर पहुंच रही है। अगर आप देखें तो डबल डबल भाग्य रेखा, देखिए 1 इंच ज़्यादा किस्मत बहुत अच्छी है, किस्मत का ये धनी है।
भाग्य रेखा शनि पर्वत पर पहुंच रही है और भी बेहतरीन है। धन के मामले में धन रेखा जो है अगर शनि पर्वत पर पहुंचती है किसी के हाथ में तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक के पास धन की चीज़ें जो है चीज़ें प्रोफेशन वाइज या कैरियर वाइज काफ़ी अच्छी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कह सकते हैं कि अंत में जाकर थोड़ी सी भाग्य रेखा फैल रही है, डबल हो रही है, थोड़ा सा थिकनेस इसमें कम हो रही है, तो आगे चलकर थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है पैसों से रिलेटेड लिटरेज में आने के चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं। अगर मैं बात करूँ सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत ठीक है, कुछ ज़्यादा ऐसा नेगेटिव साइन नहीं है और दो सूर्य रेखाएँ यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर जो है, और इसका आगमन जो है 45 के बाद ही हो रहा है। तो 45 के बाद जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति और मान सम्मान में वृद्धि होना बिल्कुल तय है, क्योंकि सूर्य रेखा हमें ऐश्वर्य, मान और इज्जत दिलाते हैं, एक सोसाइटी में एक नाम दिलाते हैं, और वो चीज़ें व्यक्ति को हासिल होती हैं। तो ये सूर्य रेखा और दो दो सूर्य रेखा व्यक्ति को चाम देगी। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर सूर्य पर्वत पर नज़र आ रही हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बुध पर्वत की, तो बुध पर्वत हल्के से डिक्लाइन, जिसे मैंने कहा कि थोड़ी बौद्धिक क्षमता कम रह सकती है, यहाँ पर जो है रेखाएँ खड़ी हैं और जिसकी वजह से कह सकते हैं अगर व्यक्ति इंटरनेट से दुनिया से जुड़े उससे में सक्सेस पाएगा, जैसे जो टेक्निकल फील्ड्स होते हैं अगर उसमें साथ जुड़ता है तो व्यक्ति उसमें सक्सेस पाने के योग काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, चलिए शुक्र पर्वत की स्थिति को देख लें। शुक्र पर्वत इनके ये इन इस पर्वत का फैलाव बहुत ज़्यादा है। शुक्र पर्वत को मैंने बताया कि जितना ज़्यादा फैलाव उतनी ज़्यादा व्यक्ति रोमांटिक नेचर का होता है, उसमें कामना ज़्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं। और ठीक है, लेकिन इसके फ़ायदा ये भी है कि जितना ज़्यादा शुक्र पर्वत को स्पेस मिलती है व्यक्ति उतनी ज़्यादा लग्जरियस चीज़ों को भोगता है, जो जो ऐश्वर्य से जुड़ी चीज़ें हैं उसको भोगने के योग वो पूरे हैं। लेकिन हल्की सी आड़ी रेखाएं हैं तो मन में चिंताएं जो हैं रहेंगी, लेकिन ऐसी चिंताएं मन में ही व्यक्ति दबाता है क्योंकि ऐसी रेखाएं जो है जीवन रेखा को टच नहीं कर रही हैं। जीवन रेखा थोड़ी सी दूर शिफ्ट है, आपको दिखेगा इसको स्पेस ज़्यादा मिल रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रोजी रोटी कमाने के लिए व्यक्ति को घर से दूर जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो थोड़ी सी बाहर की तरफ आपको शिफ्ट होती हुई नज़र आएगी। चंद्र पर्वत का फैलाव ठीक है, तो मानसिक स्थिति और जो आप चेतन मन ठीक रहेगा, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए आगे हम देख लेते हैं इनकी रेखाओं को, रेखाएं यहाँ पर क्या बता रही हैं। रेखाओं के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर एक गैप देखने को मिलेगा, ये इनकी जीवन रेखा है। ठीक है, और ये इनकी मस्तिष्क रेखा है, तो इसमें आपको बड़ा गैप आपको देखने को मिल रहा है और ये बड़ा गैप बताता है कि व्यक्ति इंडिपेंडेंट सोच का है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि फिंगर्स पे आपको फिंगर छोटी थी, तो इंडिपेंडेंट इससे भी मालूम चलता है, जल्दी जल्दबाजी में फैसले लेना, खुद फैसले लेना और थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव हो जाता है व्यक्ति का, मतलब अपनी बात सामने आगे पहले रखना, ऐसे जाता है क्वालिटी होती है। ठीक है, फिंगर्स में भी आपको कभी गैप देखने को मिला था, ये भी इंडिपेंडेंट क्वालिटी को बताता है और ये भी एक साइन यहाँ पर हो गया। ठीक है, अगर हम जीवन रेखा की ओर चलें, जीवन रेखा की शेप को देखें, जो जीवन रेखा में स्टार्टिंग में दिक्कतें हैं, स्टार्टिंग में बचपन में बीमारी वगैरह, और यहाँ पर भी एक योग बनता हुआ दिखेगा, एक यब का निशान जो आसपास कह सकते हैं कि 25 के आसपास बन रहा है, जिसको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हम कह सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आने के चांस हैं। स्टेबिलिटी एक्चुअल में लाइफ में आने के चांस यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए उसके बाद देखिए उससे पहले इससे पहले इस पे इससे पहले आपको बहुत सी राहु रेखाएं, बहुत सी अड़चनें, परेशानियाँ, छोटे छोटे आइलैंड की फॉर्मेशंस ये बनती हुई दिखेगी। ठीक है, और ये बन रही है कम से कम मान के चले कि 32 से पहले पहले एज बन रही है। ठीक है, उसके बाद लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि उसके बाद कोई ना राहु रेखा है ना कोई आइलैंड की फॉर्मेशन आपको बनती हुई दिखेगी। उसके बाद लाइन काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरी आपको नज़र आ रही है। ठीक है, जो ये राहु रेखाएं होती हैं काम को बनने नहीं देती, हमेशा कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, हेल्थ वाइज ही प्रॉब्लम ये देती हैं, तो सभी प्रकार की प्रॉब्लम में जो है राहु रेखाएं देती हैं, जो इसका जो है खत्मा है, जिसका जो अंत है वो 30 के बाद होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें दिख रही हैं।
अगर मैं कैरियर रेखा की बात करूँ तो कैरियर रेखा और धन रेखा इनकी हाथ में डबल डबल है। देखिए, एक तो ये कैरियर रेखा आपको देखने को मिलेगी और दूसरी कैरियर रेखा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये डबल लक का होना बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका पहला फ़ायदा तो ये होता है कि व्यक्ति कम मेहनत से ज़्यादा लाभ कमा सकता है। मतलब व्यक्ति का लक जो है काम करता है, और अचानक से बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा प्रमोशन, कहीं पर कोई एक योग बन जाए जिसकी वजह से धन की वृद्धि काफ़ी बेहतरीन हो जाए। तो ऐसे योग जो है, जब हाथ में हम देखते हैं कि दो दो भाग्य रेखाएं हैं, तो किस्मत के धनी ऐसे जातक होते हैं। और किसी के हाथ में एक धन रेखा तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है, दो दो भाग्य धन रेखा तो यहाँ पर सोने पे सुहागे वाली बात है। तो यहाँ पर इनके हाथ में वो चीज़ नज़र आ रही है। मसीह रेखा ठीक है, मसीह रेखा में वही दिक्कत जो बचपन में और 20 से 25 की आयु में जो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर, आइलैंड की फॉर्मेशन, और ये मेंटली डिस्टर्बेंस और मेंटली प्रेशर देती हैं, किसी तरह की रोग से संबंधित दे देती हैं। लेकिन उसके बाद कोई ऐसा इशू ना हाथ में नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं हृदय रेखा की बात करूँ तो हृदय रेखा में थोड़ी सी थिकनेस कम नज़र आ रही है। जैसे मैंने आपको दिखा स्टार्टिंग में बताया था कि हृदय को आपको बचा के रखना पड़ेगा, जो रक्त से जुड़ी बीमारियां होती है उसके पकड़ने के ज़्यादा खतरा होता है। थोड़े से आइलैंड की फॉर्मेशन स्टार्टिंग में भी बन रही है ये, लेकिन 50 के प्लस के बाद ही बन रही है। छोटे छोटे आइलैंड जो हैं यहाँ पर बीच में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़े से इमोशनली सेटबैक्स आपको मिल सकते हैं, और सेटबैक्स बड़े हैं, अपना ही कोई धोखा देने के चांसेस बन जाता है, अपने का और कोई भी हो सकता है, ठीक है। जो रिलेशन जो है जुड़े हैं उससे इमोशनली सेटबैक्स जो है मिलने के चांसेस हैं। अगर मैं हृदय रेखा की बात करूं तो हृदय रेखा बिल्कुल यहाँ पर शनि पर्वत की ओर ही है। तो व्यक्ति ज़्यादा इमोशनल क्वालिटी का नहीं है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है, जिसकी वजह से इमोशन पर कंट्रोल रखना ऐसे जाता है कि फितरत में रहता है। ओवरऑल धन रेखा काफ़ी अच्छी है, किस्मत अच्छी है, और वो सभी सुख हाथ में मौजूद है जो होने चाहिए, ठीक है। और अगर बच्चे की स्थिति देख लें तो हाथ में वो चीज़ें अगर देखें तो यहाँ से एक बड़ा फॉर्मेशंस बन रहा है, फिश का सिंबल बन रहा है। तो लड़के के योग जो है हाथ में नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ पर बुध पर्वत की स्थिति को भी देखें तो इस स्थिति से भी मुझे नज़र आया कि यहाँ पर लड़के के योग जो है, सॉरी लड़के नहीं, मैं कह रहा हूँ लड़की के योग में, मैं भूल गया, यहाँ पर लड़की के योग जो है बनने के चांसेस, यहाँ पर मैंने गलती से लड़का बोल दिया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लड़की के योग के चांसेस यहाँ पर बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बेबी गर्ल होने के चांसेस में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा आइलैंड होगा, जितना बड़ा आइलैंड आपको बड़ा आइलैंड दिखे इस क्षेत्र में, उतने ही योग होते हैं कि लड़की के योग बने, ठीक है, बेबी गर्ल के योग बने, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। मैं एक रिकमेंड जरूर करूँगा कि अंगूठे, मुझे ऐसे आड़ी रेखाएं ज़्यादा मिली थी जिसकी वजह से अग्रेशन के कारण कभी कभी किसी से मन मुटाव जल्दी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो गुस्से पे आप कंट्रोल रखा करें, और फिंगर्स पे भी थोड़ी आड़ी रेखाएँ मुझे मिली थी, लेकिन खड़ी रेखाएँ भी ज़्यादा हैं, तो यही प्रोग्रेसिव का कारण है, ठीक है। तो पूरी प्रोडिक्शन आपके सामने, आप इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।